जिले का पहला जन सहयोग से बना ऑक्सीजन प्लांट कसरावद विधायक सचिन यादव ने जनता को समर्पित कर ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड सेंटर पर 46 लाख रुपए की लागत से बने ऑक्सीजन प्लांट का दानदाताओं और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में फीता काट कर शुभारंभ किया गया। विधायक यादव ने इस अवसर पर कहा कि क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी से अब किसी भी मरीज की जान नहीं जाएगी। कोरोना काल में हमने अपने क्षेत्र में मरीजों के साथ ही जिले के कई मरीजों को बड़ी बेड की कमी से चलते कहीं ऑक्सीजन की कमी के चलते परेशानी का सामना करना पड़ा तो कई परिवारों को अपने प्रियजनों को असामयिक मौतों के गाल में समाते देखा है। तभी से मेरे मन में क्षेत्र जनता के स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का जज्बा पैदा हुआ। इसी कड़ी में हमने सबसे पहले लगभग 30 लाख रुपए की लागत से ICU निर्माण कराया। इसी कड़ी में हमारे क्षेत्र के शिक्षकों, जनप्रतिनिधि और समाजजनों ने जन सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मुहिम को अमली जामा पहनाते हुए सुझाव दिया था। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। उपस्थित सभी अतिथिगण, विधायक जी, माननीय विधायक जी, भारती दीदी, दिलीप भाई सहित सभी जो दानदाता हमारे हैं उनका मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे जो जनपद स्तरीय अधिकारीगण हैं, हमारे थाना प्रभारी, इनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं यही अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन के लिए जो है लोगों को प्रेरित करने का काम करें। हमारा लक्ष्य, हमारा सबका टारगेट यही होना चाहिए कि जो वैक्सीनेशन को लेकर के अगर कहीं किसी के मन में कोई भ्रांति हो, इस लड़ाई को हम तभी जीत पाएंगे जब 100% जो हमारा वैक्सीनेशन है, हमारे 18 से प्लस वाले, 45 से प्लस वाला जो हमारा एज ग्रुप है, उसमें जब तक हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे इस लड़ाई को आदरणीय साथ हम लोग नहीं जीत पाएंगे को जो है हासिल करने का काम किया। मैंने ये विचार बना लिया था, मैंने मन बना लिया था कि अब कसरावद का कोई भी मरीज जो है उसको इंदौर ना जाना पड़े, उसको खरगोन ना जाना पड़े, ऐसी आने वाले समय के लिए हम ऐसी स्थिति को हम लोग तैयारी हम लोग करके रखें। आज एक कोविड सेंटर जो है हमारा 70 बेड का कोविड सेंटर हमारा तैयार है और मुझे खुशी इस बात की भी है कि आज इस कोविड सेंटर में एक भी कोविड का मरीज नहीं है। और मैं तो परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस कोविड सेंटर में एक भी मरीज नहीं आए, ऐसे मेरी परमपिता परमेश्वर से कामना है। सर, संकट की घड़ी में जिस वक्त कोरोना महामारी अपने पीक पे थी, आप ग्राउंड पर उतरकर कसरावद की जनता के साथ थे, तो उसी का परिणाम है कि आज ये कोविड सेंटर हमने देखा है। कसरावद की जनता वाकई एक ऐसे विधायक को पाकर खुश है। आगे और क्या योजना है सर, इसको और कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, ये कोविड सेंटर जो शुरू हुआ था, इसमें हमारा सभी साथियों का यही उद्देश्य था कि हमारे जो कसरावद क्षेत्र के हमारे जो कोरोना पीड़ित हमारे जो मरीज हैं उनको व्यवस्थित उनको इलाज मिल पाए, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर ये कोविड सेंटर खोला है, जहाँ पर सारी सुविधाएँ जो है उनको मिले, चाहे टेस्ट कराना हो, कोरोना संबंधित टेस्ट करवाने हो, चाहे यहाँ पर अगर कोई विषम परिस्थिति आ जाए तो यहाँ पर ICU गर्भवती ICU की स्थापना हमने करने का काम किया है। ऑक्सीजन की किसी प्रकार की शॉर्टेज नहीं हो उसके लिए हमने यहाँ पर एक 40 लाख से अधिक की राशि का हमने जो है यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट हमने स्थापित करने का काम किया है। एक्सरे मशीन हमने जो है यहाँ पर देने का काम हमने करा है। एक सुव्यवस्थित जो है सर्व सुविधा युक्त एक एम्बुलेंस जो है हमने देने का काम यहाँ पे कर रहे हैं। और अभी एक जो बड़ा हमारा लक्ष्य है यहाँ पर एक सिटी स्कैन की व्यवस्था यहाँ पर हो, ताकि हमारे कसरावद वासियों को जो है अपनी स्वास्थ्य सुविधाएँ। सर, हर बार की तरह वापस फिर वही महिला डॉक्टर और MD की मांग फिर आपने आज भी कहा है, उस बारे में और कोई विशेष प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं आप? क्योंकि हमने शासन को हमने लगातार मांग कर रहे हैं और हमें आशा है कि जैसे मंच में जो व्यवस्थाएं यहाँ पर स्थापित हुई थी, तो कम से कम अभी वो व्यवस्था स्थापित हो जाए, जो यहाँ की बाकी जो मांग डॉक्टर्स की मांगों को यहाँ के स्टाफ की मांग मान रहा है, लगातार शासन को धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।